बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। रमज़ान के आने से पहले जो पुराने मसाले थे मैं उनको धूप लगा रही थी। कुछ में कीड़ा था हल्का हल्का सा, मैंने कहा वो निकल जाएगा, अगर ना निकालो उसमें से कीड़ा, उसे धूप ना लगाओ तो उसमें ज़्यादा कीड़ा पड़ जाता है। ये सौंफ में हल्का सा कीड़ा था, उसको धूप लगा दी। ये हल्दी, ये सुरख मिर्च, फिर अगर एक में कीड़ा लग जाए और बाकी उन चीज़ें मसाले भी उसके साथ पड़े हों तो उसमें भी कीड़ा लग जाता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ पड़ी हुई थी इसलिए मैंने उसको भी धूप लगा दी है। और ये न्यू है, ये चाट मसाला और सुरख मिर्च और ये हल्दी, ये सब न्यू था, इनको भी मैंने धूप लगा दी है। सुरख मिर्चें, ये न्यू सौंफ थी, ये साबुत धनिया, ये लाल दाल मलका मसूर की, ये मूँग की दाल और वो कश्मीरी बड़ी लाल मिर्च, और जो उनकी बोतलें हैं उनको भी धूप लगा रही हूँ कि अगर उसमें उनके कोई एग ज़रा रह जाए तो वो भी धूप की तपिश की वजह से ख़त्म हो जाए। और मैंने इनको छन्नी से एक दफ़ा छान लिया है, जो बारीक बुरुदा बन जाता है इसका वो भी सारा इसमें से ख़त्म हो गया है, छन गया सारा वो। आप जानते हैं चावल में अक्सर कीड़ा लग जाता है, जो चावल पुराने हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही कीड़ा लग गया था। ये देखें, इस सब को मैंने छान के हल्के से धूप लगा रही हूँ ताकि जो कीड़े हैं वो भी निकल जाए इसमें से। ये आपको मैं कीप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बाद छोटे छोटे से कीड़ों के अंडे आएंगे, ये सब अभी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको मैं छान लूँगी, कुछ मैंने अभी छाना है। ये देखें, छान के मैंने इसको वेस्ट कर दिया, ये सारे कीड़े से निकल गए बाहर, और वो सौंफ को छान दिया मैंने, उसमें से जो छान इसका बारी बारी पाउडर था वो भी निकल गया। मैं हर दफ़ा महीने में जो सौदा आता है उसको लाजमी धूप लगाती हूँ ताकि वो कीड़ों से बच जाएँ, क्योंकि उसमें एक्स लाजमी होते हैं, कीड़े ना भी हों तो उसमें कीड़ों के एक्स लाजमी होते हैं, उसकी वजह से फिर वो सारा जो कीड़े अंडे होते हैं उसके वो मर जाते हैं।